वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज है जुमा और अभी हम निकल चुके हैं जुमा के नमाज के लिए। आजम भाई की दुकान से खरीदेंगे जेली। और ये देखिए हमारा जेली निकल रहा है, ये बच्चे लोगों के खाने के लिए है। और मैं तैयार होकर अब निकल चुका हूँ जुमा के नमाज के लिए। नमाज का जो वक्त है वो बिल्कुल करीब हो गया, इसीलिए अभी हम आगे ज़्यादा का कुछ नहीं दिखा सकते आपको। आज जुमा का नमाज अभी हो गया, अभी हम खाएंगे मलाई कुल्फा। कितने का है? 10 रुपए का। कुर्बानी के लिए देखिए ये खस्सी मेरा रेडी है, जैफा जो है वो टकला हो गया है। अभी हमारा निकल रहा है खाना और फौरन खाना खाकर हम निकलेंगे दुकान के लिए। देखिए जैनब भी खा रही है मलाई कुल्फी जो अभी हम लेकर आए थे। यहाँ पे लग गया मेरा दस्तरखान। ये भाई साहब हैं जो बंदर को बिल्कुल आदमी की तरह ट्रीट करते हैं। कहाँ घर है आपका? हमारा घर यही रतनपुरा है सर। ये उस्मा रतनपुरा। अच्छा अच्छा, यही बंदर है। देखिए देखिए ये जो है बंदर जो है ना पैसा मुंह में रखता है। बाप रे, अलग में जल्दी दो, 5 रुपया। अच्छा मुँह में जा, मुँह में रखे हुआ था। सिर्फ बैठ इधर देखिएगा, आप सो जाओ। सुत रहो, सुत रहो, सुत जा, सो ना। उधर जाओ, ठंडा तेल लगा दिए। तेल भी लगा दिए इसको। बंदर जो है ये भाई साहब का ही हुकुम मानता है। हमारे चंदा चा जो गांव आकर बहुत दिन हो गया था इनको, आज ये गरीब रथ से जा रहे हैं। फिलहाल ट्रेन नहीं आई, आने वाली है। इनका सामान रेडी है और यहाँ पे भाई लोग भी हैं चढ़ाने के लिए। और चंदा चा हमारे हर वीडियो को चाचा, आप दिल्ली रहते हैं ना? जी। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में जनपथ मार्केट। अच्छा, जनपथ मार्केट कनॉट पैलेस में इनसे मिलना होगा। जींस का कारोबार है इनका, आराम से घर पर देखते हैं। ये गरीब रथ में कैसा बोगी जोड़ा गया है, ये हुआ असल गरीब रथ, गरीबों के लिए। यहाँ पे आ गया है एकदम बिल्कुल ताजा फ्रेश भिंडी। पैर वाला जलेबी जो हम लोग बचपन में तोड़ तोड़ कर खाते थे और मार भी बहुत खाते थे। बिल्कुल फ्रेश और ताजा भिंडी कैसे बेच रहे हैं? बस मात्र 20 रुपए केजी भिंडी। भाई साहब जो है 20 रुपए केजी भिंडी बेच रहा है। क्या नाम है? नाम बताओ। नाम अनस। नाम बोलिए ना। नाम बोलो। बोलिए अनस अंकल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोल दीजिए अनस। अनस ठीक है। देखिए इधर से ट्रक भी आ रहा है और ट्रक वाले को जो है देखिए कितना परेशानी हो रहा है, सिर्फ रोड खराब की वजह से। ड्राइवर साहब जो है एक नंबर गियर लगाए हैं, फिर भी जो है गाड़ी पाप पाप कर रहा है। देखिए और देखिए बांध से उतरने का जो रास्ता है ये कितना खराब है। यहाँ पे बहुत रिक्सी है, कभी भी कोई भी गाड़ी जो है वो पलट सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये मेरे तमन्ने बाबू हैं, इनका घर नया टोला है, अभी ये घर जा रहे हैं, काम करके लौट रहे अभी। और क्रिकेट ग्राउंड पे यहाँ पे साहिल, फुरकान और अरहान भी क्रिकेट का मजा लेते हुए। मैं धूप हो गया कम तो बच्चा लोग जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा ग्राउंड पे। यहाँ पे अबू
हमारे हिंदुस्तान में तो टैलेंट की कमी नहीं है, और खास करके हमारे बिहार में। अभी आपने इससे पहले देखा कि एक आदमी जो है वो बंदर के साथ इंसानों जैसा सुलूक कर रहा है, उसको बहुत कुछ सिखाया हुआ है, और उसके बाद अभी देखिए ये लड़का एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदुस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, इस लड़के के अंदर में ऐसा टैलेंट है, ये एम्बुलेंस का आवाज़ निकालता है। अभी आप लोगों को ये लड़का एम्बुलेंस का आवाज़ निकाल कर दिखाएगा। हाँ निकालो। तुम्हारा सरयुग जमुना। वाह। एक मोबाइल को बनाने के लिए यहाँ पर चार चार बच्चा आया नया टोला से। एक दो तीन चार। क्या नाम है? मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद पने, मोहम्मद इलसाद। पढ़ाई करते हो ना? हाँ जी जी जी, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, गुड। हमारा पुराना दोस्त है, और ये भी पुराना दोस्त है, और ये रहा हमारा नया दोस्त जयदी, जो दरभंगा में रहता है, वहीं घर उर बना लिया है, इसीलिए कभी कभी आता है। तो आज मौका है, हम लोग साथ में चाय पी लेते हैं। और दोस्त जो है हमारा, ये टीचर है, महदौली ITI कॉलेज में ये टीचर है। हमारे मुस्तफ़ा भाई, जिनको आप अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं। मैं निकल रहा हूँ दरभंगा, क्योंकि दुकान का कुछ सामान लेना है अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त जो है यहाँ गाड़ी लेकर रेडी है निकलने के लिए। हेलमेट लगा कर जाएं। ये हमारे दिनकर कुमार झा, और पीछे है भोला। देखिए यहाँ पे इलमायत में शादी है किसी हमारे हिंदू भाई के घर में, और कितना अच्छा सजावट है रोड के दोनों साइड में। अभी हम लोग दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। देखिए इलमायत ढाला तक जो है, ये मोड़ से लेके ढाला तक जो है, दोनों तरफ अच्छा डेकोरेशन है, और यहीं पर बारात बैठे ना। और हम पहुंच गए हैं पंडा सराय गुमती, और यहाँ पे अभी रेलवे फाटक बंद है, और देखिए यहाँ पर कितना भीड़ है। आज हम काफ़ी वर्षों के बाद आ गए हैं दरभंगा। ये वही दरभंगा है जो पूरे हिंदुस्तान में नाम है दरभंगे का, दरभंगा जंक्शन। ये देखिए दरभंगा जंक्शन है, बिल्कुल जो ये हावड़ा लुक बना हुआ है। देखिए यहाँ पे यात्री लोग आराम कर रहे हैं। सामने है टिकट काउंटर, अभी राजा गया टिकट लाने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से धुरियान पैसेंजर पकड़ेंगे है घाट जाने के लिए। हम अभी आ गए हैं ओवर ब्रिज पे, और अभी थोड़ी देर में जो ट्रेन है वो 5 नंबर पे आने वाली है, और अभी लिफ्ट से हम जाएंगे नीचे। सामने है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, और फाइनली हम लोगों की ट्रेन आ गई, और अभी हम लोग ट्रेन पे सवार हो गए हैं हायाघाट जाने के लिए। अब थोड़ी देर में गाड़ी खुलेगी, वो भी दिखाते हैं, बने रहे मेरे वीडियो में। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म 6 जो है ये जानवरों का है। देखिए यहाँ पे गाय हुई है, अभी इसकी भी ट्रेन आएगी, ये गाय भी जाएगा, और हॉर्न जो है दे दिया है ट्रेन, और गाड़ी चल भी पड़ी है। ट्रेन में भीड़ भी बहुत है। हम लोग जो है यात्रा का टिकट ले के चढ़े हैं दरभंगा जंक्शन से हायाघाट। आप लोग भी यात्रा का टिकट लेकर चढ़े। चाय बोलिए ना, चाय स्पेशल भी। थलवारा स्टेशन कितना डेवलप कर गया, पता नहीं हम लोगों का हायाघाट कब डेवलप करेगा। देखिए यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बन गया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंक्शन पे हम लोग, लेकिन जंक्शन पर हम लोग नहीं हैं, अभी हम लोग थलवारा स्टेशन पर हैं। ये भी एक छोटा मोटा ही स्टेशन है हायाघाट की तरह। फाइनली मैं दरभंगा से आ गया घर पे, अभी बिस्तर पर लेट गया हूँ खाना वाना खा के, और अपने वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।